सो गाइस सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यू इनकॉग्निटी विंडो ऑन कर लिया हूँ और यहाँ पर सर्च में आता हूँ और 3D रेसिंग कार क्या है। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं जो पहला वीडियो है ये हमारा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 साल पहले अपलोड किया गया था। 2 साल पहले जब अपलोड किया गया था तो इस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जब से मैंने इस वीडियो का SEO किया है, SEO तो दोस्तों ये सर्च लिस्ट में ऑटोमेटिक आने लगा है। SEO जब से मैंने किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं SEO सर्च लिस्ट में आ रहा है, YouTube के सर्च में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सारा जितना वीडियो सर्च में आ रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं SEO किया गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ SEO क्या होता है, कैसे करना है, ये क्या चीज़ होता है। SEO जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO कैसे करना, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे। अगर आप अपने वीडियो को SEO कर देते हैं दोस्तों तो आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आने लगेगा और सर्च लिस्ट में आने से धीरे धीरे रैंक करने लगेगा और ब्राउज फ्यूचर में आएगा और धीरे धीरे सजेशन में जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड कर लेना और आपको टाइटल देना, जैसे आपका आपका टॉपिक है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये एग्जांपल है दोस्तों जैसे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब में आ जाना है और यहाँ पर आपको देखिए सर्च में आना है व्यू। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने लिखा व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यहाँ ढेर सारा टाइटल आ गया। तो इसमें यहाँ पर एक टाइटल कॉपी कर लेना, जैसे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर 2022, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। और आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है ट्यूबबडी, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता देता हूँ SEO कैसे करना है। दोस्तों ये ऐप ओपन हो चुका है, यहाँ नीचे जो दिख रहा है 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको और यहाँ टैग एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है जो आपने टाइटल कॉपी किया है, आप इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सर्च वॉल्यूम यहाँ पर 84%, यानी जो ऑडियंस सर्च करती है ये 84% ये टाइटल सर्च करती है, और एवरेज इसका 61% है, यानी कंपटीशन 61% है, ओवरऑल यानी गुड है। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है टाइटल। यहाँ पर और सजेशन में आ रहा है यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, इसको देखते हैं। ये 27% ये तो एकदम बेकार है। तो या व्यूज़ कैसे बढ़ाएं इसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूज़ कैसे बढ़ाएं ये बहुत बेस्ट है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, ये सर्च वॉल्यूम है 100% और कंपटीशन 49% है और ये ग्रेट है। तो आप इस टाइटल को भी कॉपी कर सकते हो, वैसे मेरे ख्याल से। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये चीज़ आपको देख लेना। और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम जो होना चाहिए सबसे हाई लेवल होना चाहिए, यहाँ पर 100% शो कर रहा है, कंपटीशन 90%, ये आपका ये टाइटल में आप कर सकते हैं। यानी आपका अगर 100% सर्च लिस्ट में मतलब सर्च शो कर रहा है तो आप इसको टाइटल में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है आपको टाइटल पेस्ट कर देना, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं ये हो गया, और एक स्लैश आपको लगाना है यानी डंडी खींचना है, इसको हम स्लैश बोलते हैं, स्लैश बोला जाता है। और एक टाइटल हिंदी हो गया, एक टाइटल आपको इंग्लिश देना है, तो इंग्लिश में चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इंग्लिश में एक बार सर्च कर लेता हूँ हाउ टू इंक्रीज ऑन यूट्यूब, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर मैं सर्च कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी हाई 100% और कंपटीशन भी हाई परसेंट है, तो आप इसको भी इंग्लिश में कर सकते हैं। फिर उसके बाद YT स्टूडियो में आना है और इसको पेस्ट कर देना है आपको, YT स्टूडियो में आकर इसको पेस्ट कर देना है, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर दो टाइटल हो गया, जैसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं हाउ टू इंक्रीज व्यूज़ ऑन यूट्यूब। अब आपको इस टाइटल को कॉपी कर लेना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आना है, डिस्क्रिप्शन में आकर आगे ही ये पेस्ट कर देना है। गाइस आप अपने सोशल मीडिया का अकाउंट भी दे सकते हो और फिर योर क्वेरीज या योर क्वेश्चन करके आपको यहाँ पर ढेर सारा टाइटल पेस्ट कर लेना है। जैसे टाइटल क्या, जैसे योर क्वेरीज जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे व्यूज़ कैसे आए, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये चीज़ आपको देखना है ऑडियंस कितने प्रकार से सर्च करता है। तो देखिए व्यूज़ कैसे, यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, 2022, ऐसे ऐसे अलग अलग
उसके बाद सबसे पहले आपको YouTube पर आना, और यहाँ पर ढेर सारा ये टाइटल दिख रहा है, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये आप लिखेंगे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये सारा जो आ रहा है टाइटल ये कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर लेना, और यहाँ पर सर्च भी कर लेना व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। यहाँ सर्च करते हैं जो सबसे पहला वीडियो आता है, जिस भी सबसे ज़्यादा व्यूज है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको योर क्वेरीज करके मिल जाएगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन ऐप में आ जाना है, और यहाँ से एक फोटो चूज करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ डन कर देंगे, और यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है इसको कॉपी कर लेना है। आपको सारा कॉपी कर लेना है, और एक नोट, जैसे मोबाइल में नोट होता है, जो मोबाइल में नोट होता है उसमें आकर कर देंगे, ऐसे पेस्ट कर लेंगे, और तो गाइस अपने नोट में आकर यहाँ पर एडिट कर लेना, जो एक्स्ट्रा पार्ट कॉपी हो गया उसको हटाना है, और उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, जो योर क्वेरीज या योर क्वेश्चन है आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। पर आपको तीन टैग देना है, जैसे देख लीजिए टैग देना है, जैसे एक व्यूज हो गया, व्यूज इंक्रीज व्यूज हो गया, व्यूज कैसे बढ़ाए ये भी दे सकते हो, और अपने चैनल का नाम भी टैग में देंगे। ये सब करके बाद आप नीचे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख सकते हैं, और यहाँ पर टैग में आएंगे, टैग में आएंगे, और उसके बाद व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं ये आपको सबसे पहले देना, और इंग्लिश वाला जो टाइटल है इसको भी सबसे पहले देना। ये टैग तो सबसे क्लियर हो गया, सबसे आगे ही रहना चाहिए। फिर आप जो यूट्यूब में यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये सारा टाइटल आ रहा है, इसको कॉपी करके यहाँ पर आप टैग्स में लगा सकते हो, और आप अपने चैनल का नाम भी टैग करना है। ये चीज़ आपको भूलना नहीं, अपने चैनल का नाम भी डालना है, और वहाँ से सारा कीवर्ड्स कॉपी करके यहाँ पर टैग लगा सकते हैं। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आपको वीडियो सेव कर लेना है, पब्लिक नहीं करना है, यहाँ पे अनलिस्टेड ही रहेगा, सेव कर लेना है, पब्लिक नहीं करना। फिर आपको 30 मिनट बाद ये वीडियो पब्लिक करना रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो YouTube का एल्गोरिथम सिस्टम होता है वो वीडियो को रीड करने में लग जाता है, समझने में लग जाता है कि किस टॉपिक पर है, किस टॉपिक से ऑडियंस को भेजना है। तो गाइस 30 मिनट बाद आपको पब्लिक करना है। सो गाइस अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप जो टाइटल देते हैं ये टाइटल कॉपी करके आप ट्यूब बड़ी ऐप में जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कितना कंपटीशन है, कितना सर्च वैल्यूम है। टाइटल्स बहुत मैटर करता है दोस्तों, इस चीज़ को आप चेक कर लेना है, और एक एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन और क्वेरीज योर क्वेरीज आपको लगा लेना है, पूरा प्रोसेस कर लेना, इसी को हम कहते हैं दोस्तों अच्छे से SEO कर लेना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का मतलब होता है दोस्तों, और उसके बाद आपको वीडियो सेव कर लेना, वीडियो 30 मिनट बाद ही पब्लिक करना है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम जो होता है आपका वीडियो समय लग जाता है ऑडियंस के पास भेजना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको 30 मिनट बाद वीडियो को पब्लिक कर देना है, और धीरे धीरे आपका वीडियो रैंक करेगा, और उसके बाद आपका ब्राउज फ्यूचर में आएगा, सर्च इंजन में जाएगा, और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 2 साल पहले अपलोड किया गया था, और इसको मैंने अभी 10 से 15 दिन पहले SEO किया, और ये वीडियो हमारा 40,000 प्लस व्यूज हो गया। दोस्तों एग्जांपल मैं आपको सामने दे दिया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे।